मैं वापस कॉलेज में हूँ। मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, बट कॉलेज आते ही मज़ा आता है। कॉलेज के वो दिन याद आ जाते हैं, फ्रेंड्स, दोस्त, मस्ती, मजाक, घूमना फिरना, अमेजिंग। बट आज हमें SIES कॉलेज सायन मुंबई में एक एक्वेरियम के वजह से, जो प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस में है, हमने बनाया है। देखोगे ना, आखिरी तक देखो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत सीखने को मिलेगा। ठीक है, हेलो मैम। हाय, वेलकम, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम, थैंक यू सो मच। प्लीज हैव अ सीट। हाउ आर थिंग्स विद यू? गुड मैम, नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इट्स बीन सो लॉन्ग। ओके, अभी हम SIES कॉलेज के प्रिंसिपल मैडम के कमरे में हैं, जहां पे ये सुंदर सा एक एक्वास्केप है, बहुत सिंपल एक्वास्केप, रेड वुड लाइमस्टोन, जावा फर्न, हार्लिक्विन रैसबोरा, सिंपल सा एक्वेरियम है। अभी तक लोटेक है, CO2 हम ऐड करने वाले हैं बहुत जल्दी। एंड कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। इसको मैं बुलाता हूँ माउंटेन ऑफ होप, आशा के पहाड़, बिकॉज कॉलेज में है, बच्चे एक आशा, एक होप लेके आते हैं आसमान छूने का, तो ये माउंटेन्स वो डिपिक्ट करता है या कनेक्ट करता है। अभी हम प्रिंसिपल मैडम से बात करेंगे और जानेंगे कि उनको कैसा लगा एक्वेरियम, और कुछ और भी क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है, एक एक्वास्केपिंग कोर्स के बारे में भी है, डिस्कस करेंगे। ये टैंक को अगर आप बनते हुए देखना चाहते हो तो कल का वीडियो देखो, मिस मत करना। कल के वीडियो में ये टैंक हम बनाते हुए दिखाएंगे, कैसे हमने इसको खड़ा किया, कैसे स्टिक किया, क्या क्या किया, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। सो कोविड हैज बीन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम मैम फॉर एवरीबडी, एंड आई एम श्योर कॉलेजेस वर क्लोज्ड एंड यू नो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। हाउ इज एवरीथिंग कोपिंग विद द कॉलेज? आई थिंक इट्स बीन अ फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, एंड स्टूडेंट्स हैव बीन हैविंग अ टफ टाइम, टीचर्स आल्सो यू नो गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ अपग्रेडिंग स्किल्स एंड टीचिंग देम ऑनलाइन। आप सबको बताना बहुत जरूरी है कि SIES कॉलेज जो है इंडिया का एक अकेला कॉलेज है जो एक्वास्केपिंग का कोर्स, एक्चुअली ऑफिशियली सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया है। सो मैम थैंक यू सो मच फॉर दिस, आपका बड़ापन है एंड आपने हमें बहुत एनकरेज किया इसको करने के लिए। मीटिंग यू वाज ग्रेट एंड आई थिंक आवर स्टूडेंट्स got a lot of liking towards it, not only just the course Mayur, I think even it made them become entrepreneurs over a period of time. That training that you gave them with one course that we finished, there are a lot of takers. I think more and more people will join you, and hopefully this time very soon we will start again. And this is definitely your guidance and your whole team. Also thanks to your zoology team ma'am, HOD sir, Satish sir, Aditya sir, Madhavan sir, Rupali madam, and Shetty sir, Pushparaj Shetty sir, they've all been a huge support. हमारे लिए बहुत support करते हैं, and ये course को एक एक college में लाने के लिए अगर आपका support नहीं होता है तो होता नहीं मैम। बच्चे भी दिल लगा के किए थे ना last time? Perfectly मैम, beautifully, they were so happy. यहाँ पे मैं share करना चाहता हूँ कि हाँ, एक तो प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस में आना थोड़ा डर लगता है, प्रिंसिपल का ऑफिस है ना, तो बचपन से ऐसा आदत है, बट वो डर को निकाल के मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक नया कोर्स कोई भी कॉलेज के करिकुलम में डालना बहुत ही मुश्किल का काम है। आई थिंक विद ऑटोनोमस स्टेटस दैट वी गॉट, नॉट ओनली दिस कोर्स, वी हैव आल्सो इनिशिएटेड अ लॉट ऑफ कोर्स फॉर स्टूडेंट्स, सो दैट दे गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड अपार्ट फ्रॉम व्हाट दे आर जस्ट लर्निंग इन द सिलेबस। These are all very exciting, very fascinating. I remember the first time when you got your students here and created an aquarium in my room, any one who comes into it would ask, who did it? How beautiful, so positive energy here. I think all credits to you, ma'am. No, it's a mutual. You, thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Ma'am, ye wala aquarium ke piche maine jab ye bana raha tha, toh mere man mein ek kahani tha. Okay? एंड मैं ये सोच रहा था कि इसको हम बुलाएंगे माउंटेन ऑफ होप। ओके, बिकॉज जो भी बच्चे कॉलेज आते हैं, मेरे जैसे बच्चे नहीं बट जनरली जो बच्चे कॉलेज आते हैं वो एक आशा लेके, एक होप लेके आते हैं अपने आगे की जिंदगी के लिए,
you know, reaching to the sky. And mountains do the same thing, they reach to the sky. So that was the whole concept and idea when I was creating this aquarium. What do you actually say? It's a beautiful word that you have coined. Actually, as soon as we saw this reached our room, the whole lot of things moving upward, the rocks, as you said, it's a mountain. That word didn't come to my mind at the time. But as you said rightly, yes, students do come with a lot of hopes, lot of aspiration, lot of challenges to face, and they get inspired. And all this can happen only as they scale high. I think that mountain peaks as they apparently try to touch the sky. I'm sure this in my room will give that kind of a hope to all students who come in. And when I am able to talk to them about it, they will get much inspired by it. And it's so beautiful, really beautiful. मैम, जनरली एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे. आपको क्यों लगता है कि बच्चों को हॉबी बहुत इम्पोर्टेंट है? आजकल के बच्चे तो दे आर सो मच फुल ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी. इफ अदर देन करिकुलम व्हाट दे वांट टू डू इट, कभी कभी उनके मन में इच्छा होती है लेकिन दे डू नॉट नो वेयर टू डू इट, हाउ टू डू इट, वेयर टू कनेक्ट, विथ होम टू कनेक्ट. हॉबीज आर समटाइम्स वेरी इंटरेस्टिंग टू एस्पायर फॉर इट. Sometimes they do not know how to actually formalize it and make it happen. It remains as a dream and leave it. I think this hobby, which some of them spoke as it's a hobby, they could actually see that with your help, with your teamwork and with the course, they could create an aquarium for themselves, test it out, where are all the possibility that they can make mistakes and get out of it. And I loved the aesthetic part of it, the beauty of it. It's like almost an art by itself. This I think my students enjoyed the most, and they have started telling the other batches. So every year the students who are coming out of it, not only the zoology I should say, the other students are also getting interested. I think you will have a few more good sessions with them very soon. Ma'am, hamare viewers ki taraf se bahut sare viewers hai jo shayad course attend karna chahe, to ये सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए कोर्स होगा कि पब्लिक भी अटेंड कर पाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है मैम? आई एम रेडी फॉर इट, आई एम रेडी टू कीप इट ओपन फॉर द पब्लिक, बट देर आर नॉर्म्स, रेगुलेशंस, रूल्स दैट हैव बी फॉलोड बाय द कॉलेज, ऑफ द कॉलेज. इफ दैट इज द केस, वी हैव डन इट. लाइक सम अदर कोर्सेज ऑन योगा उपासना, ऑन एस्ट्रोफिजिक्स, वी हैड केप्ट इट ओपन एंड स्टूडेंट्स हैड कम यू नो फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, आई मीन एटलीस्ट द सिटी, एंड दे कुड जॉइन इट. I think we can do the same with you also. Ma'am, आप कितना कोर्स करना चाहते हैं? अभी सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, आपने बताया कि आप ओपन कर सकते हैं, बट स्केड्यूल कुछ आइडिया है, कब कर सकते हैं? इस साल तो यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया है कि May 31st विल बी द लास्ट वर्किंग डे. सो अप्रैल एंड आई एम प्लानिंग द एग्जाम्स. सो इफ द एग्जाम्स गेट ओवर, इट्स ऑल ऑनलाइन एग्जाम्स, इफ दे गेट ओवर विद इन अ वीक और 10 days, स्टूडेंट्स आर फ्री. And this year, I wonder, students may not travel out because it's not much advised. So that is a slot, we can have many batches of it. I'm also looking out for the commerce and art students also, ready to take it up. They may not have the background of science so much so, but if you can offer that, that is one thing. Secondly, we can also open it for outsiders. In and around science, those students from different colleges, we can collaborate, sign an MOU with them, and we can have courses for them. Thirdly, I'm looking out some of my staff members and adults and other parents who visit my college. When they look at it, they say that if we have to set up a tank at home, or if we want to do like that, how do we go about, whom to contact? So that is also a place where maybe you can give a webinar or something to teachers, and those who are interested, they can connect with you. I think then it will go like a wildfire. People will get. Wishing you all the very best. I'm sure you will have do a lot of things for us. Okay. I'm sure that'll be amazing. That'll be very interesting actually. Why do you think there should be an aquarium in a college, ma'am? I find, first of all, personally, I love aquariums. We had it in our homes, in my mother home, where I came from. It gives a lot of energy. And when I'm stressful, you know, I just leave my table and I come here and stand for some time. And I think just looking at the plant and the fish moving and all of them, it's slowly settles my thoughts. I think today in many other ways people are talking about how do you de-stress yourself, how do you take away your anxiety, how do you feel energized, and you know, how do you internalize all of them. I think this is one thing aquarium in my room
gives a lot of energy. I thought it was very personal to me and I kept quiet. But Mayur, to tell honestly, last time after you kept anybody who came to my room, I've always been telling, wait, let me go and stand there for some time. Let us get energized and then we will go. And they added a lot of comments that this room has become more positive. It has given them a lot of hope, a lot of understanding of, you know, connecting with people. That is because there's a lot of light in it. There's a lot of energy in it. And that I think even those who visit are able to acknowledge. One question that I would want to ask, you've been in so many years of, you know, being teaching and being in charge of a large organization and institution. How important is a hobby and education? And can somebody actually make the hobby into their lifetime profession? What is your take on that? I'm looking at, like, you know, hobby is something very personal, private, and it is very intimate to everybody. And with an academia involving into it, you are bringing the hobby a new phase to it with an industry and academia coming together. And that gives flavor to it. And they are also able to see that it is workable. What I am looking at is we have to make students employable. If apart from a degree, one more thing they learn as a course and they get the confidence of it, you may take them as an intern, and by gaining more experience as an intern, you will also offer them job, or you will connect them to people where they can get the job. And passion and job, if they are join hands, I think it will be stress-free life. Otherwise, people do a lot of work and they are not passionate about that work. But here, their own liking, if they can convert into an employability, convert them into a job, which you are ready to, you know, train them for it. I think that is where this youth will benefit. They are graduates also. They are also having a certain certificates which they can use it with them. I am looking at it like that. Ma'am, ये मेरे मन में एक बहुत बहुत दिनों से एक सवाल है and आप शायद सही person हो इसको इस सवाल का जवाब देने के लिए. आज के डेट में बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे भी काफी सारे व्यूअर्स हैं जो कॉलेज के बच्चे हैं एंड बहुत सारे मैं बच्चे देखता हूँ कि बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं, बहुत बहुत ही डिप्रेस्ड रहते हैं बिकॉज प्रेशर ऑफ स्कूल, प्रेशर ऑफ कॉलेज, प्रेशर ऑफ पीयर प्रेशर, मार्क्स लाने का प्रेशर एंड ये सब इतना सारा उन पे बच्चों पे प्रेशर रहता है कि उनको मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आगे क्या करे क्या ना करे. तो अगेन द क्वेश्चन इज कितना इम्पोर्टेंट है मैम मार्क्स लाना या इम्पोर्टेंट सीखना है वो क्या है मैम? सीखना इम्पोर्टेंट है, कितना मार्क्स लेंगे आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दैट बिकॉज ईच चाइल्ड हैज गॉट अ डिफरेंट पोटेंशियल. ईच चाइल्ड कम्स विद अ डिफरेंट फ्रेम इनसाइड. सो योर चाइल्ड मे कैच अप समथिंग लाइक अ फायर. सम ऑफ देम मे टेक सम मोर टाइम टू कैच अप सर्टेन डिफरेंट थिंग्स. Suppose a child has got an inclination towards a hobby. This is one of the hobbies. Like that, they may have different children will have different kinds of hobbies. If they are able to take up that and add some value to it and take it up along their lives, I think with studies they will be able to. So, at the most, say first position is only one person occupying. The others are very important. True. And all of them have to scale through. And they do come out. I agree. And all of them have got a space in the world today to occupy something and achieve. We don't talk about only the toppers. We do talk about the strugglers. We do talk about those who have been really at the low rank and they are achievers. For achievers, the definitions are separate, not just the marks. आपने जो बात अभी बोला वो 100% सच है मैम, because आज भी I am very close to my zoology and botany teacher, Sukanya मैम. वो मेरे लाइफ की इंस्पिरेशन है एंड शी लिव्स इन बैंगलोर नाउ, शी इज रिटायर्ड एंड मैं बैक बेंचर था. ओके, जितना कॉलेज में मैं कॉलेज में कुछ नहीं आता था, साइंस कुछ नहीं, इट्स ऑलवेज यू नो बैड मार्क्स. एंड आज वो खुद बोलते हैं कि देखा तुमको करना था, तुमको पैशन था, इंटरेस्ट था, आज तुम साइंस वालों को साइंस सिखाते हो. ओके, इट्स अ वेरी, इट्स व्हाट यू सेड इज सो ट्रू मैम, इट्स वेरी रिलेटेबल, वेरी रिलेटेबल. What would you tell parents who are hell-bent on getting their children high marks? I feel marks are just points scattered here, you know. I do tell them that it is necessary to score, academic scoring is important.
But apart from that, an all-round development is most important. At least personally, having, you know, sitting in this chair, I've told my students that college has got academic standards and we go through creating new benchmarks. But SIS is a place, a forum that we create where students can aspire all their other things, other kind of intelligence, like Garner, the psychologist, who says there are 7 types of intelligence. It is not just max in your language or your logic. There could be many other things. So these are the things where I see intelligence coming up. So your IQ is no longer so important with marks, but your EQ, your social and your spiritual quotient, so many things, the positive energy that they see working on all this. I think that there is a trend changing. And even people like you, you will not go about marks, right? You will go for the students who are passionate about aquarium. Agreed. Definitely. Agreed. I think we are setting new standards. मैं पहले भी कह चुका हूँ कि SIS college एक अकेला college है इंडिया में जो aquascaping का course, certificate course उनके syllabus में है and बच्चे वो course ले सकते हैं, सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. मैम ने मुझे भी opportunity दिया है आके सिखाने के लिए. उनका बहुत ही अच्छा टीम है, जुआलॉजी टीम, सतीश सर, आदित्य सर, शेट्टी सर, माधवन सर, रूपाली मैडम, इन सबका सपोर्ट एंड मैम आपका सपोर्ट के वजह से ये हो पा रहा है. ओके, सो अगेन आई रियली रियली वांट टू थैंक यू अ लॉट. वी आर वेलकम एंड प्लीज कीप गाइडिंग अस मोर एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग अस मोर. दिस इज वेरी गुड फॉर अस. एज अ पासिंग नोट, वॉट वुड यू वॉन्ट टू टेल पेरेंट्स मैम? बिकॉज अभी बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहते हैं कि यू नो आगे उनके बच्चों के लिए एक हॉबी होना, यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट पेरेंट्स के लिए कुछ मैम? लेट द पेरेंट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड डिस्कवर समथिंग वेरी ब्यूटिफुल इन एवरी चाइल्ड. इफ दे आर एबल टू सी इट फाइन, अदरवाइज लीव इट टू द टीचर्स. टीचर्स विल ऑल्सो डिस्कवर सम न्यू टैलेंट, सम पैशन इन द चाइल्ड एंड टूगेदर all the stakeholders in an institution, we look forward, we come together to cherish those dreams, whatever the children can do it. One level academic, then we also go to co-curricular, we also go for extracurricular. All of them together will make a holistic personality of a child. So hobbies are very important, but you need to know somebody like Mayur type who will able to show you the path, and therefore you can reach not just the mountain bottom but scale high. And that would be the mountain of hope I'm looking forward to. A great honor and a great pleasure. And thank you so much for your time, ma'am. I know thank how busy you are. Okay. My pleasure. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Wishing you all the best. Thank you so much. So, aap sabne abhi principal madam se mile SIS college ke, Sion, Mumbai mein. And unse bahut interesting conversation tha, kuch seekhne ko mila. Aur mujhe to bahut inspiration mila unse. And उनके साथ जुड़ के आगे भी कोर्सेज वगैरह करके मैं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगने वाला है. आप जुड़े रहो, देखो एंड सी इफ यू कैन अटेंड दीज कोर्सेज अगर आप बॉम्बे में हो. डिटेल्स तो हम यूट्यूब में डालेंगे ही. एंड ऑफ कोर्स एज ऑलवेज मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम के तरफ से, मेरे पूरे टीम के तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल. सिर्फ एक्वेरियम में एक्वास्केपिंग के वीडियोस नहीं, बहुत सारे और भी वीडियोस बनेंगे जो सोशली इम्पॉर्टेंट है. जैसे हम आज एक गुणीजन से मिले, एक प्रिंसिपल से मिले, उनका एक्सपीरियंस शेयर किया, और भी लोगों से मिलेंगे, जगह जगह जाएंगे, देखेंगे, सीखेंगे. और हाँ, कल इसका मेकिंग का वीडियो मिस मत करना, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग है. ओके, चलो बाय.